कही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जिनका बिहेवियर बहुत ही अलग है और जो दिखने में भी काफी अलग हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पॉम पॉम क्रैब, ये छोटे केकड़े जो आकार में एक इंच जितने होते हैं, इन्होंने लंबे समय तक जीव वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। इस छोटे से जीव को बॉक्सर क्रैब, चीयरलीडर क्रैब या पॉम पॉम क्रैब भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास हमेशा चीयरलीडर जैसे दो पॉम पॉम रहते हैं जो असल में जेलीफिश के करीबी रिश्तेदार हैं। ये बहुत जहरीले होते हैं। ये केकड़े जब अपने दोनों क्लॉज से इन्हें पीछे से पकड़कर मूवमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये पॉम पॉम पकड़े चीयरलीडर जैसे डांस कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ऐसा शिकारियों से खुद को बचाने के लिए करते हैं। इनका डंक काफ़ी जहरीला होता है जिससे शिकार अपने आप घायल हो जाता है। पेलिकन, पेलिकन एक वजनदार उड़ने वाला पक्षी है। इसमें नर पक्षी का वजन 9 से 15 किलो तक का हो सकता है। इतना वजन होने के बावजूद भी ये तेज उड़ने वाले पक्षी हैं। इन पक्षियों की चोंच लंबी होती है और उसका निचला हिस्सा थैली जैसा होता है। उसका प्रयोग ये पक्षी मछली पकड़ने के लिए करते हैं। ये चोंच को पानी में डुबोकर रखते हैं जिससे मछली उसमें आ जाती है, फिर ये उसे निगल जाते हैं। लेकिन ये जितने शांत दिखाई देते हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मछलियां नहीं खाते, इनको और पक्षियों को खाते हुए भी देखा गया है। ये कबूतर, बतख आदि को साबुत ही निगल जाते हैं। साइंटिस्ट इनकी ये हरकत देखकर घबरा गए। फिर जांच करने के बाद पता चला कि इनका पेट भरने लायक मछलियां ना मिलने पर इन्होंने दूसरे पक्षियों को निगलना शुरू कर दिया। पक्षियों के अलावा अगर इनके पास कोई छोटा जीव हो तो ये उन्हें भी खा सकते हैं। ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक, ये स्नेक नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनका मुंह काफी चौड़ा होता है। इनकी कुल लंबाई 46 इंचेस है। रंग और पैटर्न कुछ भी हो सकता है। ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन जब कोई खतरा इन्हें दिखाई देता है तो ये कोबरा की तरह फन उठा लेता है और जीभ अंदर बाहर करने लगता है। ये डसने की भी एक्टिंग करता है लेकिन दांत नहीं गड़ाता। इतना ही नहीं, ये पीठ के बल लेटकर मरने की भी एक्टिंग करता है जो सांपों में आमतौर पर देखा नहीं जाता। पीकॉक स्पाइडर, ये मकड़ियों की सबसे अद्भुत प्रजाति है। इस मकड़ी का मोर जैसा रंग दिखने की वजह से इसे पीकॉक स्पाइडर कहा जाता है। ये मकड़ी काफ़ी जहरीली होती है लेकिन मनुष्यों पर इसका कोई असर नहीं होता। ये अपने जैसे छोटे जानवरों को घायल कर सकती है। ये मकड़ी दूसरी मकड़ियों की तरह जाला बुनकर शिकार नहीं करती, बल्कि सीधा पकड़कर अपने जहर से उसे सुला देती है। एस्कोसोटॉल, एस्कोसोटॉल एक मछली जैसा दिखने वाला जीव है, लेकिन ये मछली नहीं एम्फीबियन कहलाते हैं। इनकी स्माइल बहुत प्यारी होती है, जिन्हें देखकर ऐसा मन करता है कि इन्हें देखते ही रहे। ये एक ऐसा जीव है जिसको जहाँ से भी काट दिया जाए ये वापस उस अंग को रीजनरेट यानी पैदा कर लेता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ रीजनरेशन कहा जाता है। ऐसे जीव आजकल बहुत कम पाए जाते हैं। हमें समुद्र में पाए जाने वाले अनेक अनोखे जीवों को सुरक्षित रखना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। बाकी ऐसी और कई अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कहीं अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।